डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सेल पर वर्क करते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल पर जब आप वर्क करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी लैंग्वेज पर टाइप करते हैं तो एक एक सेल पर वर्क किया जाता है। यानी जब आप कुछ टाइप करेंगे तो पहले एक सेल पर लिखेंगे, फिर आप दूसरे सेल पर लिखेंगे, और इस दौरान क्या होता है, आपका भाषा जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, तो अभी आपका जो है डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है कैलिबरी है, इसका मतलब जो टाइप होगा वो आपका उसी लैंग्वेज पे टाइप होगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, आपका तीसरा नंबर सेल पर अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम भाषा बदलते हैं। जैसे अब ये वाला हम लैंग्वेज चूज करते हैं, तो अब जो हम यहाँ से टाइप करेंगे तो इस लैंग्वेज पे टाइप हो रहा है, लेकिन जैसे उसके इंटरफेस करेंगे तो फिर आपका देखिए लैंग्वेज जो क्या होगा, आपका जो डिफॉल्ट था जो कैलिबरी वो रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हिंदी भी लिखेंगे तो हिंदी लिखने के दौरान भी क्या होगा कि अलग अलग सेल पर लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। यानी मान लेते हैं अगर हमको यहाँ पर हिंदी लिखना है, यानी यहाँ पर नहीं पूरे सेल पर हिंदी लिखना है या हिंदी में ही वर्क करना है, हम तो क्या हुआ कि एक बार यहाँ पर गए और यहाँ से लैंग्वेज क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। यानी हिंदी लैंग्वेज के लिए आपको पता होना चाहिए मंगल या कृति देव, तो हम यहाँ से के वाले ऑप्शन पर जाकर हम कृति देव को चूज कर लेते हैं। और अब जो हम कुछ लिखते हैं, जैसे राम लिखते हैं, तो देखिए ये ऐसा करके राम लिखा है, यानी हिंदी, लेकिन जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो अब क्या होगा, जैसे राम लिखेंगे तो देखिए चेंज हो गया। यानी कहने का मतलब एक एक सेल पर आपका लैंग्वेज चेंज हो रहा है। तब आपको करना क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। तो करना क्या है, अगर आपको पूरे सेल पर एक ही लैंग्वेज पर लिखना है तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए और वन, यानी ए बी सी डी आपको पता होना चाहिए कॉलम होता है, और वन टू थ्री फोर ये आपका रो होता है। तो ए और वन के बीच में यहाँ पर जो सेल दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए, यानी जो खाली जगह है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आप देख पा रहे होंगे तो पूरा का पूरा आपका टेबल जो है सेलेक्ट हो गया, यानी कॉलम और रो जितने भी एक्सेल पर हैं सारा सेलेक्ट हो गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार में हम क्या कर लेंगे, यहाँ से अगर हिंदी लिखना है तो हम यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को चूज करेंगे, या जो भी भाषा में लिखना है तो उस भाषा को आप चूज करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से के वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए क्या हो गया कि पूरे टेबल पर ये क्या हो, कृति देव, यानी जब भी आप कुछ लिखेंगे तो पूरे टेबल पर लिखाएगा। लेकिन हो सकता है कि जब आप ऑफिस वर्क करते होंगे तो हो सकता है कि कुछ कॉलम पे करना होगा या कुछ रो पे करना होगा या कुछ स्पेसिफिक एरिया मान लेते हैं कि इतना पर ही करना होगा। तो जितना भी करना आप उतना को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद आप लैंग्वेज चेंज कीजिए। अभी मेरे पूरे टेबल पर करना था तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, यानी पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे, और अगर किसी कॉलम या रो पर अगर करना है तो आप इस तरह से जो कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं या इस तरह से जो है आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से लैंग्वेज बदलिए तो उस एरिया में उसी लैंग्वेज में टाइप होगा। अभी देखिए हम पूरे एरिया पर हम क्या हुआ कि कुर्ति देव का 11 नंबर फॉन्ट यूज किए। अब हम कहीं पर भी कुछ लिखेंगे ना तो हिंदी में लिखाएगा। ठीक है, कहीं पर भी कुछ लिखेंगे तो क्या होगा, हिंदी में लिखाएगा। तो इसी तरह जो है इंग्लिश में भी अगर कोई अगर पर्सनल कोई फॉन्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब कहीं भी कुछ लिखेंगे तो हिंदी में टाइप होगा। ठीक है, तो इस तरह से करना क्या है आपको कि या तो आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर ले, पूरे टेबल पर अगर आपको हिंदी में लिखना है या किसी एरिया पर लिखना है तो उस एरिया को सेलेक्ट करके आप लैंग्वेज चेंज करें। और डिफॉल्ट जो होता है, डिफॉल्ट एक सेल पर सेटिंग किया हुआ था, आपको एक सेल वाइज आपको चेंज करना होता है, उसमें जो कि टाइम लगता है, परेशानी होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप एक्सेल पर हिंदी में कैसे लिखेंगे या किसी और भी भाषा में कैसे लिखेंगे वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।